नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन। वन डबल फोर वन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम होली के पर्व पे फराली साबूदाना और आलू के फराली पकोड़े बनाएंगे, जो बहुत ही जल्द से बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मूंगफली के दाने को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, 3 से 4 चम्मच जितना लिया है। अच्छे से चला लेंगे। मूंगफली के दाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन में हम साबूदाना को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर साबूदाना को भिगोए बिना ही रोस्ट करेंगे। अच्छे से चलाते जाएंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। साबूदाना हमने 1 कप जितना लिया है। साबूदाना का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे मूंगफली के दाने ठंडे हो गए हैं, उसके फोतरे निकाल लिए हैं, थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हो पूरा बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा रखा है। अब हम साबूदाना भी यहाँ पर ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे, मिक्सर में ऐड कर लेंगे और पाउडर फॉर्म में ब्लेंड करना है। हमें पूरा आटा जैसे बनाना है। साबूदाने को ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में रेडी कर लिया है। अब हम पकौड़े के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। बड़े से बाउल में हम साबूदाना का पाउडर फॉर्म लेंगे, उसमें हम मूंगफली के दाने यूज़ करेंगे जो क्रश करके रेडी किया था। मूंगफली के दाने को कूट के भी क्रश कर सकते हो। अब हम सिंघाड़ा का आटा लेंगे जो फास्ट में खाया जाता है, वो हम 2 चम्मच जितना लेंगे। उसकी जगह आप राजग्रह का आटा भी ले सकते हो। मरी पाउडर तिखास के लिए 1 चम्मच जितना, 1 चम्मच जीरा पाउडर, टेस्ट के लिए सिंधा नमक लेना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे, जिसको हमने छीन लिया है। आप यहाँ पर मैश करके भी ऐड कर सकते हो। क्रश किया हुआ अदरक 2 चम्मच जितना, 1 चम्मच काटी हुई हरी मिर्च, आप यहाँ पर पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो पेस्ट ऐड करना बेटर रहेगा। इसमें हम दही ऐड करेंगे, दही हम 3 से 4 चम्मच जितना ऐड करेंगे। आप दही पंजाबी या फिर कोई भी ले सकते हो। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, यहाँ पर जिसमें दही लिया था उसी कप से पानी ऐड करेंगे। पानी हम बेहतर रेडी करने के लिए ले रहे हैं, आप बेहतर के हिसाब से ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। यहाँ पर साबूदाना का आटा पानी अब्सॉर्ब करता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करते जाना है। अच्छे से मिक्स करके वड़े जैसा बेहतर रेडी कर लेंगे। हमारा बेहतर बन के रेडी हो गया है। अब हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तेल गरम हो गया है, हाथों को पानी वाला करके बेहतर को रखते जाएंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखनी है। पकोड़े की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है, ब्राउन कलर का। प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे साबूदाना और आलू के फराली पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे व्रत में बनाकर सबको खिला सकते हो, बहुत ही टेस्टी, और दही के साथ खा सकते हो। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।